अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। काले मटर का वंदन भाभी में हम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो आज क्या बना रहे हैं भाभी हम लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं डबल का मीठा। डबल की मीठे के लिए डबल रोटी चाहिए होती है। हाँ, लेकिन हम पापों में बना रहे हैं, ठीक है? टेस्ट में कोई फर्क नहीं है? कोई फर्क नहीं आएगा। देखें आप, वो जो डबल रोटी को आप फ्राई करेंगे अच्छे खासे घी में, ऑयल में, तब जाके वो ये शक्ल देगा। हमारे ऑलरेडी पापा ऐसे ही है, और पापे आई थिंक टेस्टी भी होता है। हाँ तो ठीक है, जिसके लिए हमने ये 15 से 16 पापे लिए थे, ठीक है? ठीक है, और ये हमने ये कुछ बादाम लिए हैं, हमने एक चुटकी जर्दे का रंग लिया है, हमने 3 से 4 5 लौंगे ली, वो इलायची ली है, हरी इलायची छोटी वाली। 1 कप हमने जो है चीनी ली है, ठीक है, और 1 प्याला हमने भर के बर्फी ली है। आपके पास जो हो, खोया हो, अगर आपके पास खोया है तो आप खोया भी डाल सकते हैं, और अगर कोई मिठाई हो तो आप वो मिठाई भी डाल सकते हैं। जैसे हम इस टाइम बर्फी डाल रहे हैं, जिसको हमने एकदम बारीक कर लिया, कद्दूकस से कर लिया है, ठीक है? और ये 1 किलो हमने दूध लिया है, ठीक है? और ये हम आपको दिखा दें कि जो है ना पापे हमने किस तरह काटे हैं। अच्छा, इस तरह पापे काटे हैं हमने, 1 के हमने जो है 4 टुकड़े कर लिए हैं। इसी तरह हमने सारे बना लिए थे। ये हमने आपको दिखाने के लिए बनाए थे कि पापों को किस तरह स्लाइस में काटेंगे। ये देखें कट गई है। चले आइए बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसमें जो बर्तन गर्म हो गया तो इसमें इतने दूध डाल दिया है। अब ये दूध थोड़ा सा पकता है, क्योंकि बॉयल तो हुआ हुआ है, थोड़ा सा पकता है, तो फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। दूध गर्म हो चुका है, अब हमें इसमें चीनी डालेंगे। और भाभी आप बर्फी कब डालेंगी? बर्फी भी बस अभी डाल रहे हैं, साथ ही बस चीनी थोड़ी सी मेल्ट हो जाए, घुल जाए इसमें। तो मतलब पकता है तो कैसे पता लगता है? कलर चेंज करता है क्या? गाढ़ा हो जाता है? गाढ़ा होगा ना, हम जब खोया डालेंगे। देखिए हम खोया डालेंगे इसमें, इसमें सारा खोया चला गया। खोया यानी वो क्या था? बर्फी। इसमें हम इलायची डालेंगे, इसके हमने 20 से 2 टुकड़े कर लिए हैं, ताकि इसके दाने भी बाहर आ जाएं, तो सही से इसका फ्लेवर आ जाए। अच्छा, आप मुसलसल चला रही हैं, तो क्या हमें इसे मुसलसल चलाते रहना चाहिए? हाँ, बस खोया वगैरह जो डाला है वो बस इसमें हल होता रहना, नीचे चिपके ना, इसलिए बस, कोई तो खास वो नहीं है। ये जर्दे का रंग जो लिया था, उसमें हम ये थोड़ा सा दूध डालेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे हम स्पून की मदद से, अच्छी तरह कोई लम्स ना रहे। कॉल आ गया भाभी। कॉल आ गया इसमें, थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। आपने आज क्यों कम की थी भाभी? आज हमने इसकी वजह से कम की थी कि थोड़ा आज हल्की करके फिर हम ये डालेंगे। तो ये क्या, आप थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, ऐसा ना बहुत ज़्यादा हो जाए, इसलिए हम देखें हमें ज़रूरत लगेगी तो फिर हम और डालते रहेंगे। हमने पूरा डाल दिया है। सही, अब हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे ताकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। देखिए तैयार है ये, अब हम इसको जो है पापों पे डालते हैं। देखिए इस तरह हम डालेंगे इसके ऊपर, ताकि पापे भी थोड़े मुलायम हो जाएं। या हम डालेंगे इस पे, मतलब आपको इसको ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है भाई? नहीं, बस नॉर्मल। ये देखिए दूसरे प्याले में भी हमने बनाया हुआ है। ठीक है, ठीक है, देखिए इस तरह डालना है। इस तरह हम इस पे ही डालेंगे बर्फी को जो हमने कद्दूकश किया था। थोड़ा सा आपने बचा लिया था? हाँ, हमने थोड़ा सा बचा लिया था इस तरह सर्व करने के लिए। जो बादाम थे उसको हमने इस तरह बारीक बारीक काट लिए। बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा हमें कि आपको हमारी रेसिपियाँ कैसी लग रही हैं, और इंजॉय करिएगा इफ्तारी में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपनी दुआओं में बहुत याद रखें।
और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल नहीं भूलें। अच्छा खाइए, अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए। मिलते हैं इसी सोच के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।